फेस वॉश करने के बाद लगा लो, चेहरे पे ऐसा गोरा निखार आएगा, दाग धब्बे ऐसे दूर होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी स्किन वाइटनिंग रेमेडी जो आपके चेहरे को ब्राइटन करेगी, खूबसूरत बनाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक आलू। ध्यान रहे कि आलू के छिलके को बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, आलू के छिलके के साथ आपको इसको लेना है। पहले क्लीन कर लीजिए आलू को, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। आलू का जो छिलका होता है दोस्तों, इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्किन के मेलनिन की मात्रा को कम करते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है वो फेयर होती है, ब्राइटन होती है। ये दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को और किसी तरह के डार्कनेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे लेनी है दोस्तों, वो है एक टमाटो, यानी कि टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। टमाटर में विटामिन सी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और हमारे स्किन में ये ब्राइटन इफेक्ट लाता है। अगर आपकी स्किन किसी तरह से डार्कनेस आ गया आपके स्किन में, तो उसको ये ईजिली दूर करेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कि इन दोनों को अच्छे से पीस के एक फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, आपके पास मिक्सी नहीं है, तो आप चाहें तो कद्दूकस करके भी इन दोनों का रस निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। एक खाली कटोरी में आपको इस पेस्ट को ले लेना है। ये देखिए, वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही है दोस्तों, मेरे चैनल पर दिखाए गए रेमेडीज़ आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार जरूर दिखाइए, लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये पेस्ट जो है हमारा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है लगभग एक चम्मच गेहूं का आटा, और लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल का जेल। विटामिन ई जो होता है वो एंटी एजिंग होता है, आपके चेहरे को जवान, टाइट बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सबको, और मिक्स करने के बाद आपको अपने चेहरे को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है, धो लेना है, फेस वॉश कर लीजिए आप। उसके बाद इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर आप लगा लीजिए। ध्यान रहे सिंपल तरीके से नहीं लगाना है। आपको करना क्या है दोस्तों, कि हल्के हाथों से आपको अपने चेहरे पे मसाज करते हुए इसे अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे आपको कम से कम 2 मिनट के लिए अपने चेहरे पे इससे मसाज करना है। इससे आपके स्किन की जो डेड स्किन सेल है वो निकल जाएगी, आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और ये जो रेमेडी है वो पूरी तरह से आपके स्किन पोर्स में चली जाएगी। दोस्तों आप चाहें तो इसको अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपके लिप्स पे जो डेड स्किन सेल है वो दूर होगा, पिगमेंटेशन जो लिप्स पे हो गया, कालापन हो गया, वो भी दूर होगा और आपकी लिप्स जो है वो पिंक होंगे। तो इस तरह से अपने चेहरे पे, अपने लिप्स पे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो ठंडे पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए।